अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं जीरा बिस्किट। तो जीरा बिस्किट बनाने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून जीरा ले लिया है। इसको तवे पर हल्का सा रोस्ट कर लिया है जिससे थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा। इसका कलर वगैरह हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, बस हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब इसको हम एक तख्ते पर निकाल लेंगे और इसको बेलन की हेल्प से रोल कर लेंगे, थोड़ा सा कूट लेंगे दरदरा सा। इसका पाउडर वगैरह नहीं बनाना है हमको, बस हल्का सा कूट लेना है, इससे इसका फ्लेवर और इनहेंस होकर आएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको दरदरा सा कर लिया। अब इसको निकाल लेंगे एक बोल में। अब हम स्टार्ट करते हैं आटा गूंदना, जिसके लिए 1/4 कप मैंने घी लिया है। आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर बटर का यूज़ करेंगे तो फिर नमक इसमें कम ऐड कीजिएगा। घी को हमें अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें जो भी घी की गुटलियाँ होंगी वो निकल जाए, ये बिल्कुल प्लेन हो जाए। अब 1 कप इसमें मैदे का आटा डालेंगे, 1/2 कप गेहूं का आटा ऐड कर देंगे और 1/3 कप हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। कस्टर्ड पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा कलर भी आ जाएगा बिस्किट्स पर और फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। जो बेकरी में बनाया जाता है ज़ीरा बिस्किट, उसमें कस्टर्ड पाउडर डाला जाता है। 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे, 1/2 चम्मच सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि घी और सारी इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालूंगी वो आपको मिल पाएगी। अब इसमें हमने जो रोस्ट किया हुआ ज़ीरा रखा था वो भी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ज़ीरा अगर आपको ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने पूरा नहीं डाला है, उसमें से बचा लिया है। अब ये मैंने एक छोटे चाय के कप में दूध ले लिया है भरकर। इतना ही दूध हमें लगेगा इसको गूंदने में। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। देखिए 1 कप पूरा लगा है दूध, और ना ज़्यादा सॉफ्ट आटा गूंदेंगे और ना ज़्यादा सख्त, मीडियम रखना है हमें। तो इसको इस तरीके से थोड़ी मुट्ठी मार लेंगे हम। तो देखिए आटा गूंद कर रेडी हो चुका है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ज़्यादा हार्ड है। अब इसको कवर करके हम 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं आटे को रेस्ट होते हुए। स्टार्ट करते हैं हम बिस्किट्स बनाना, जिसके लिए मैंने बेकिंग ट्रे को बटर से ग्रीस कर लिया है, और ये जो साइड में मैंने ज़ीरे को बचा कर रखा था वो भी ले लिया है मैंने। इसको ऊपर से गार्निशिंग के वक्त हम यूज़ करेंगे। अब एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे। आपको अगर राउंड शेप बनाना है तो आप राउंड शेप बना सकते हैं, ये स्क्वायर शेप मैं आपको बनाकर बता रही हूँ हाथ से। देखिए इस तरीके से आप हाथों से भी इसको बना सकते हैं, या फिर एक बड़ा सा पार्ट ले लेंगे हम आटे का और इसको हमें रोल कर लेना है। मोटा मोटा ही रोल करेंगे, अच्छे से बड़ा सा हम इसको रोल कर लेंगे। देखिए इस तरीके से रोल करने के बाद नाइफ से हम इसकी किनारियों को कट कर लेंगे, और इस किनारी को वेस्ट नहीं करना है, इसको फिर से हम रोल करके यूज़ करेंगे। अब नाइफ की हेल्प से हम कट कर लेंगे। मैं चौकोन शेप में कट कर रही हूँ। आपको जो शेप पसंद है आप अपनी पसंद से बना सकते हैं। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप उससे भी इसको कट कर सकते हैं। तो बहुत ही झटपट और जल्दी से बनने वाली ये ज़ीरा बिस्किट्स की रेसिपी है। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो इस तरीके से अब हम इसको चौकोन शेप में कट कर लेंगे। देखिए कट कर रेडी हो चुके हैं, और इतनी मोटी मैंने इसको रखा है। आप चाहे तो और पतला भी कर सकते हैं इसको। और ये जो एक्स्ट्रा बची है किनारियां, इनको भी हम वापस से रोल कर लेंगे और इससे भी कटिंग कर लेंगे बिस्किट्स को।
अब बेकिंग ट्रे पर मैंने सारे बिस्किट्स रख दिए हैं, जो ये मैंने हाथ से बनाई थी उसको भी रख दिया है मैंने। अब प्री हीट कर लेंगे ओवन को 180 टेम्परेचर पर, और 180 टेम्परेचर पर ही हम इसको बेक करेंगे। ऊपर से अगर आपको ज़ीरा लगाना है तो आप लगा सकते हैं बिस्किट्स में, और ये फोक की हेल्प से हम इसमें थोड़े से होल कर देंगे ताकि अंदर तक अच्छे से बिस्किट्स हमारी खस्ता बेक हो जाए। तो अब इसको बेक करने रखते हैं। तो देखिए बिस्किट्स हमारी अच्छी तरह से बेक हो चुकी है, बट ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको हम ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये अभी हल्की से आपको बीच से सॉफ्ट लगेगी, बट जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तो बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगी। तो देखिए हमारी मज़ेदार सी ज़ीरा बिस्किट सारी ठंडी हो चुकी है और बनकर बिल्कुल रेडी है। ये मैंने जो हाथ से बनाई थी इसको मैं आपको तोड़कर बताती हूँ कि अंदर तक कितनी क्रिस्पी और कितनी मज़ेदार बनी है। आप इसके साथ चाय बनाएं और शाम के टाइम पर इंजॉय करें। अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।